दरअसल इस मामले में अभी तक की तहकीकात में सामने आया है कि ये पूरा खेल आईएएस अशोक सिंघवी के इशारे पर उसके गुर्गे खेल रहे थे। माइन सेक्रेटरी के रूप में पिछले कुछ समय में भ्रष्टाचार के जो खेल खेले गए अब उनकी परतें सामने आ रही हैं। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि आखिर क्या है अशोक सिंघवी की कुंडली, जिसके आदेश के बिना विभाग में पत्ता भी नहीं मिलता था। '83 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक सिंघवी मूलतः राजस्थान के नागौर के रहने वाले हैं। 32 साल के करियर में सिंघवी कई पदों पर रहे। 15 साल पहले भी उनके खिलाफ ईसीबी की कार्रवाई हुई थी। सिंघवी के करियर पर नजर डालें तो पिछले 10 साल में करीब 5.5 साल से वे खान और पेट्रोलियम विभाग के सचिव और प्रमुख सचिव रहे हैं। खान विभाग राजस्थान में सबसे मलाईदार विभागों में से एक माना जाता है और सबसे अधिक भ्रष्ट महकमे की सूची में भी इसका नाम टॉप पर आता है। खान का धंधा करने वाले एक विशेष प्रभावशाली और व्यापारी वर्ग होने से आमतौर पर इस विभाग में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की शिकायत कोई नहीं करता, इसलिए इस विभाग में लगातार घूसखोरी का खेल बढ़ता जा रहा है। दिलचस्प बात ये है कि सिंघवी राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के 3 माह बाद ही मार्च 2014 में केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति बीच में छोड़कर अपने होम कार्डर राजस्थान लौटे थे, जबकि उनका केंद्र सरकार में 3.5 साल का समय बाकी था। उन्हें पहले कम महत्व के दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का प्रमुख बनाया गया, लेकिन 3 महीने बाद जून 2014 में उन्हें खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव पद पर तैनात किया गया। तब से वे लगातार इस पद पर तैनात हैं। नवंबर 2014 में उन्हें 125 करोड़ के लाभ में चल रहे राज्य के सबसे बड़े सरकारी उपक्रम राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के चेयरमैन का भी पद दिया गया। सिंघवी के पास से अभी तक 35 किलो चांदी, 25 तोला सोना और कई महंगी पेंटिंग्स और उनके परिवार के खातों से करीब 11 लाख की नकदी भी बरामद की जा चुकी है। साथ ही एसीबी को उनके घर से 177 विदेशी शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं, जिसमें भी उनके खिलाफ अशोकनगर पुलिस थाने में एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से अभिमन्यु सिंह की रिपोर्ट।